वन अनदर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? होप करते होंगे बढ़िया ही होंगे आप सब लोग। तो गाइस आज मेरी आँख खुल चुकी है 4:30 बजे। तो अब मैं सोच रही हूँ कि ना क्या करूँ। तो मैं सोच रही हूँ जब पढ़ लेती हूँ, क्योंकि कल मैं पढ़ी नहीं थी इस वजह से पढ़ लेती थी। थोड़े फ़ोन से हम सच कर पढ़ी लेंगे, इसलिए थोड़े मिलते हैं पढ़ने के बाद। तो अभी बस मैंने ना बुक्स पढ़कर ना साइड में रखी हैं, और अभी टाइम हो रहा है 6:15 का। तो मैंने सोचा कि इन सबसे पहले ना अपना हेयर वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि कल रात को मैंने ऑयलिंग की थी अपने हेयर्स पे, और फिर कॉलेज भी जाना है, इस वजह से सबसे पहले हेयर वॉश कर लेती हूँ। तो मैंने हेयर वॉश कर लिया था, और अब मैं अपने फेस में मुल्तानी मिट्टी अप्लाई कर रही थी, क्योंकि कॉलेज का भी टाइम हो रहा है, फटाफट नहा धो के रेडी भी होना है। इससे पहले मम्मी से पूछा था मम्मी ने कॉलेज में भेजने के लिए क्या बनाया। मम्मी क्या बनाया आज? दाल घिया। तो हम मतलब लेके जाएंगे कॉलेज और स्कूल में, वो स्कूल में लेके जाएंगे सामी और कन्नू। और पास्ता जो है वो कन्नू का मन और हमारा मन कर रहा था कि घर पर खाने का, तो इस वजह से कन्नू पास्ता बना रही है घर में सबके लिए। तो मैं बस अभी नहाई थी, फटाफट पहले पूजा करते फिर कॉलेज के लिए रेडी होते हैं, क्योंकि टाइम हो रहा है कॉलेज का भी। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ कॉलेज के लिए, और डैडी भी रेडी हो रहे हैं अपने ऑफिस के लिए, क्योंकि डैडी मुझे छोड़ने जाते हैं और फिर उससे वहीं से वहीं फिर डैडी ऑफिस चले जाते हैं। तो अब देखते हैं कि मम्मी ने खाना बनाया या नहीं बनाया, क्योंकि भूख लग रही है, खाते हैं फिर कॉलेज भी जाना है। बना दिया मम्मी खाना? ओके। तो घर के लिए तो कन्नू ने पास्ता बनाया था, बस वही खा रही हूँ, और डैडी आ जाए, डैडी खाना खा ले फिर हम दोनों जाएंगे। डैडी मुझे छोड़ देंगे, डैडी ऑफिस चले जाएंगे। तो बस अभी रेडी हो चुके हैं, खाना खा लिया डैडी और मैंने, बस अब कॉलेज के लिए निकल रही हूँ मैं। बाय बाय। चश्मा ले लिया डैडी? फोन ले लिया। तो मेरी कॉलेज की बस आ गई थी और मैं अपनी कॉलेज की बस में बैठ गई थी, बस अब हम कॉलेज जा रहे हैं। ये आ चुका हमारा कॉलेज। तो बस अभी कॉलेज में पहुंचे हैं और अब बस फोन सबमिट करेंगे। तो बस अभी डैडी मुझे लेने आए थे, पर ना मुझे लगा था कि आपको पैदल जाना पड़ेगा, क्योंकि ना दिल्ली बाईपास से पहले बहुत तेज बारिश हुई थी और यहाँ पर आकर देखा तो फिर तो धूप निकली हुई है। तो धूप निकली थी इसलिए फिर मैंने डैडी को बुला दिया, बारिश होती फिर मुझे पैदल जाना। मैं घर पहुँची हूँ। क्या बनाया मम्मी खाने में? मैं नहीं खा रही यार, कोई ढंग की सब्जी बना लिया करो। मम्मी यहाँ बारिश हुई थी? बारिश हुई थी यहाँ? वहाँ तो बहुत तेज बारिश हो रही थी। तो खाना खाने का मेरा मन है नहीं, क्योंकि मम्मी ने बनाया दाल किया और वो जो मैं खाती नहीं हूँ। फिर थोड़ी देर में कोल्ड कॉफ़ी बना के पीऊँगी, अभी थोड़ी देर रेस्ट कर लेती, फिर उठ के फिर कोल्ड कॉफ़ी पीऊँगी। तो ना बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, नींद नहीं आई थी, इस वजह से फिर मैंने बनाई है डाइट चार्ट, इसे खाऊंगी, फिर थोड़ी देर सोऊंगी, फिर उसके बाद उठ के पीऊंगी कोल्ड कॉफ़ी। तो बस अभी कॉफ़ी बनाई है, इसे पीते हैं और फिर डैडी और मम्मी के लिए चाय बनाते हैं। अभी डैडी भी आने वाले ऑफिस से, तो भी पिएगी? ठीक है, डैडी मम्मी और कन्नू की चाय बनाएंगे, अभी डैडी आने वाले ऑफिस से फिर बनाऊंगी। तो मैंने कॉफ़ी पी ली है और अब मम्मी डैडी और कन्नू के लिए बनाएंगे चाय। तो बस अभी आया है मेरी मासी की शादी का कार्ड। तो अब आपको कार्ड देख के पता चल गया कि हम शॉपिंग किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि मेरी मासी की शादी है इसलिए हम शॉपिंग कर रहे हैं। तो अभी बस फ्री बैठे थे तो मैं सोच रही थी थोड़ी देर पढ़ लेते हैं, उसके बाद थोड़े घूम आएंगे बाहर, क्योंकि बाहर आज मैं घूमी नहीं हूँ। घूमती तो मैं वैसे ही नहीं, क्योंकि मेरा मन नहीं करता बाहर जाने का, बट आज मन है थोड़ा बाहर घूमने का, इस वजह से
फटाफट काम करते थोड़ी देर पढ़ते हैं उसके बाद बाहर घूम के आएंगे। तो मैं 2 आवर्स पढ़ चुकी हूँ और अब बुक साइड में लग गया, पर मैं घूमने की सोच रही तो बाहर जाकर देखा तो बारिश आ रही थी, इस वजह से घूमना कैंसिल हो गया। और फिर सानवी ये लेके आई थी, कहती दीदी खा लो, मैंने कहा खाते हैं। तो बस अब सब ने खाना खा लिया, अब सब सोएंगे। तो होप करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो जल्दी जल्दी जाकर लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बाय बाय, गुड नाइट।